फार्मिका, इस मंगलसूत्र से बहुत प्यार है ना तुम्हें, तो बचा लो। उदयपुर की शेरनी है, अगर हमारे मंगलसूत्र को हाथ लगाया ना तो पंजा मार के गंजा ना कर दिया ना, तो हमारा नाम भी कृषा नहीं। हम तुम्हें तुम्हारे इरादों पर कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो क्या सोचा है आपने वामिका? जंग का ऐलान हो चुका है जयमा, अब देव सिर्फ हमारे होंगे। जरूर होंगे, लेकिन इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं होगा। कांच हो या रिश्ते, ढंग से चोट मारो तो टूट जाते हैं। और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों का गुरूर भी टूट जाता है। आपने शायद सुना नहीं हमने क्या कहा, इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं होगा। वो फिल्मी भाषा में कहते हैं ना, जन्म जन्म का रिश्ता, कुछ ऐसा ही बंधन इन दोनों का भी है। इन दोनों को अलग करने के लिए हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना होगा। हमें लगा था हमारा साथ आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा, लेकिन यहां तो हम ही आपके और अंबिकापुर की राजगद्दी के बीच में आ रहे हैं। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे आप अंबिकापुर और हमारे दिल दोनों पर राज कर सकें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा बताइए कल तारीख क्या है? कृषा, मोबाइल ने ट्रांजिस्टर्स, टॉर्च, घड़ी और लेटर्स के साथ साथ कैलेंडर्स को भी गुजरे वक्त की बात बना दिया। डेट, टाइम, महीना सब कुछ इसमें है, देख लीजिए। ये लीजिए, हमें इसे नहीं जानना। बताइए ना कल क्या है, बताइए 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 बताइए। कल कल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, क्या है? ओ या, याद आया, याद आया, कल यूएस के क्लाइंट के साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। थैंक गॉड कृषा आपने याद दिला दी, सच अ गुड वाइफ। आउच। हाँ कृषा, कृषा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। दिखाइए। देवराज सर ठीक है, हम कुछ। कृषा ये कब हुआ? वहां हम वो गार्डन में चल रहे थे, वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वहां कांच थे इसलिए चुक गए, पर छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट है, आपको जरा सी खरोच भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। रुकिए। हम ठीक हैं देव। दिखाइए। देवराज सर ज्यादा नहीं, आप अपना ध्यान नहीं रख सकती, बैठे बैठाए चोट लगा ली। बैठे बैठाए नहीं, खड़े खड़ाए। वेरी फनी। ज्यादा दर्द हो रहा है? अब नहीं हो रहा है। अब हमारे और आपके प्यार के बीच में कभी कोई नहीं आ पाएगा,
हमारे रास्ते के बीच में फूल आए या काटे, सब सर आंखों पर। तो फिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में जयमा? बहुत ही सिंपल प्लान है। कृष्णा को आपको यह यकीन दिलाना होगा कि आप देव के बहुत करीब आ चुके हैं, और देव को यह यकीन दिलाना होगा कि आप उनके बिल्कुल भी नजदीक नहीं आना चाहते। आप सिर्फ आरफ को चाहते हैं। तो मतलब हमें देव की नजरों में कृष्णा को एक शक्की, ओवर पोजेसिव और इनसिक्योर पत्नी के रूप में पोर्ट्रे करना होगा। यकीन नहीं आता कि कोई हमारी तरह भी सोच सकता है। आप खूबसूरत भी हैं और इंटेलिजेंट भी। सच में कृष्णा, आप एक नंबर की पागल हैं। और आप सबसे बड़े भुलक्कड़। आप बताइए कल क्या है? कल बहुत ही खास दिन है। हाँ, कल तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है ना? कल हमारा खास दिन है। इतना कुछ आपको पता है तो ये भी पता होगा कि कल क्या है। खबरें तो हम भी रखते हैं जयमा। कल देव और कृष्णा की पहली एनिवर्सरी है और आज रात से ही होगी शुरुआत देवराज और कृष्णा को अलग करने की। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो देव। थैंक यू बामिका। आप खाली हम रख देते हैं। लेकिन बामिका वो क्या है ना, हमारी एनिवर्सरी आज नहीं कल है, और कल तक तो आपका तोहफा मुरझा जाएगा। कल तो हम यहाँ है ही नहीं कृष्णा, इसलिए हमने आज ही विश कर दिया। आई एम सो सॉरी देव, हम आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे। वो हमें बिश्नोई विलेज जाना है ट्यूब वेल्स के इनॉग्रेशन के लिए, इसीलिए हम आज विश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कल किसने देखा है कृष्ण, इसलिए जितना हो सके आज ही एंजॉय कर लीजिए। वैसे भी कल शादी की एनिवर्सरी को जुदाई का इवेंट बनने में टाइम ही कितना लगेगा। इसी बात पे हम आपका मुंह आज ही मीठा कर देते हैं। वामिका, हम जानते हैं कि आपका जाना जरूरी है, लेकिन बेटा यहाँ महल में आने के बाद ये आपका पहला फंक्शन होगा और आप यहाँ पर नहीं है तो अच्छा होता ना अगर आप भी पार्टी में होती। हाँ। फैमिली कंप्लीट हो जाती। बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिनों तक पोस्टपोन कर दें ये इनॉग्रेशन? जयामा, पिताजी ने गांव वालों को जुबान दी थी कि आज ही ट्यूबवेल का काम स्टार्ट होना चाहिए। अब उनके वचन को झुटला तो नहीं सकते ना। लेकिन अब तो हम इस फैमिली का हिस्सा है, तो इस साल नहीं तो अगले साल देव की पार्टी में हम जरूर शामिल होंगे। वैसे भी हमारे बिना इनकी नेक्स्ट एनिवर्सरी पॉसिबल कैसे होगी? चलिए, अगर जाना जरूरी है तो जाना तो पड़ेगा। आरफ तैयार है, आप लोग दोनों निकल जाइए फिर। लेकिन जया दी, वो आरफ की ना थोड़ी तबीयत खराब है, सुबह से उल्टियां किए जा रहा है, पता नहीं क्यों। सॉरी आरव, हमें आपका कल का दिन बर्बाद करना होगा क्योंकि हमें देव के साथ डेट पे जो जाना है। ओह, मतलब आरव नहीं जा पाएंगे आपके साथ? इतनी दूर अकेले तो हम नहीं जाने देंगे आपको। चलिए हम चलते हैं। जया माँ, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं?
हम संभाल लेंगे खुद को, अकेले चले जाएंगे हम। रामिका, हम जानते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि आप हमारी जिम्मेदारी हैं। जामा बिल्कुल ठीक कह रही मामिका, आप हमारी जिम्मेदारी हैं, आप ऐसे अकेले नहीं जा सकती। वैसे भी आरव की तबीयत खराब है और राघव भी यहां नहीं है, एक काम क्यों नहीं करती, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं नहीं देव, कल आपकी एनिवर्सरी है, हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। एक तरफ अगर जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ रिश्ता भी तो है ना। जयमा, हम जानते हैं कि हमारी शादी एक राजकुमार से हुई है, अंबिकापुर के होने वाले राजा से हुई है। हम जानते हैं कि इनके लिए ये जिम्मेदारी कितनी महत्व रखती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम इनके लिए क्या मायने रखते हैं। आप अंबिका को लेके जाइए, लेकिन आप लेकिन कहने की बात ही नहीं है, मैं तो टाइम से पहले वापस आ जाऊंगा। एंड डोंट वरी, हम एक एक साथ नहीं काटेंगे, दैट्स अ प्रॉमिस। सालगिरह से होगी वादे टूटने की शुरुआत। वामिका, आपकी सारी तैयारियां हो गई? जी। मैं तैयार हो गया था। हम जानते हैं आज के दिन देवराज सर को हमसे दूर ले जाना वामिका की सोची समझी चाल है, लेकिन हमें हमारे प्यार और देवराज सर के दिए वादे पर पूरा भरोसा है। आई एम रेडी देव, आई होप यू आर ऑल्सो रेडी। कृष्णा, यू आर सो ड्रामेटिक, इसलिए ये भी एक वजह है कि तुम देव के पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। असली रॉयल्स आर सो सोफिस्टिकेटेड और तुम हो कि वो क्या कहते हैं उसे, लाउड। तुम बहुत लाउड हो। इतना परफ्यूम लगाने का क्या फायदा वामिका, जब बू तुमसे छल और फरीब की आ रही है। सब समझ में आ रहा है हमें, ये सब कुछ तुम हमारा और देवराज सर का खास दिन खराब करने के लिए कर रही हो ना। वेरी गुड, हमें तो लगा था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम्हें तो सब पता चल गया। चलो अच्छा हुआ, दुश्मन अगर समझदार हो तो दुश्मनी करने में और भी ज्यादा मजा आता है। खैर, बिश्नोई विलेज तो हम आज जाके आज भी आ सकते हैं, लेकिन अब तुमसे क्या छुपाना। आई एम रियली सॉरी कृषा कि देव आज वापस आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए हम अपने साथ सारी तरकीबें लेके जा रहे हैं, और जब तक वो लौटेंगे तब तक तुम्हारा खास दिन खत्म हो चुका होगा और हमारा शुरू हो गया होगा। अब अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का केक खुद ही काट के खुद ही खा लेना। नाउ एक्सक्यूज मी। खुली आंखों से सपने देखना बेवकूफी है, तुम्हें जो तरकीबें लेके जानी है ना तुम लेके जाओ। देवराज सर को खुद हमारे पास लौट के आने की इतनी जल्दी होगी ना कि तुम उन्हें रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब लड़ाई प्यार और फरेब के बीच में है और प्यार कभी हारता नहीं है। लेकिन इस बार जीत फरेब की ही होगी कृष्णा, क्योंकि हारना हमने सीखा नहीं। अरे आप तो कुछ ज्यादा ही गिर गई, आपने अभी अभी कहा ना कि आपने हारना सीखा नहीं है। चिंता मत कीजिए, हम सिखा देंगे। चलो अच्छा हो गया, इनॉग्रेशन सेरेमनी टाइम पे खत्म होगी, अब मैं जल्दी से कृषा के पास पहुंच पाऊंगा।
ये कौन है? देव कहाँ जा रहे हैं? पामिका वो आदमी। देव हमारी बात सुनिए, आप इन सब चक्रों में मत पड़िए। देखिए मैं ऐसे बीच रास्ते में किसी को नहीं छोड़ सकता, डोंट वरी, ओके? देव लेकिन देव रुकिए तो। रुको, सुनो। शिट। स्टॉप। देव रुकिए प्लीज। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप गाड़ी से बाहर क्यों निकले। अब मैं कृष्णा के पास कैसे पहुंचूंगा? क्या करूं? आपको पता है बिहारी जी, आज देवराज सर और हमारी शादी को पूरे एक साल हो गए हैं, यानी कि 365 दिन, और इसीलिए आज हम 365 चीजें बनाने वाले हैं। साल के हर एक दिन के लिए एक चीज। हाँ बाबा, अगले बार आपको 56 भोग नहीं 365 भोग ही लगाऊंगी, लेकिन आज नहीं। आज का दिन सिर्फ देवराज सर के लिए। देव, I am really sorry, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप यहाँ फंस गए। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हमें आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आपको कृष्णा के पास पहुँचने में बहुत देरी हो जाएगी। देखिए ऐसा मत सोचिए प्लीज। देव को ये यकीन दिलाना होगा कि आप उनके बिल्कुल भी नजदीक नहीं आना चाहते, आप सिर्फ आरफ को चाहते। अब देव, आपको कृष्णा तक पहुँचना है और हमें आरफ की बहुत चिंता हो रही है। देखिए वामिका, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमारे लिए दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ। ओह गॉड, नेटवर्क नहीं आ रहा है। वामिका, मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। ओह शिट, हमारा फोन तो कार में ही रह गया। देव, बहुत ढूंढने के बाद ये जगह मिली है हमें। यहाँ ना कोई आ सकता है और ना ही यहाँ से कहीं जा सकता है। अरे वाह कृष्णा, सजावट तो बहुत अच्छी की आपने। आप दीपा अब तक नहीं आए, सब ठीक तो है ना? अब जी दीपा सर पे तो हमें खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये वामिका को कहीं हमने कम तो नहीं आंक लिया? आप कब तक आ जाएंगे? Well, जैसे आसमान में चांद अपनी चांदी बिखेरेगा और उसकी रोशनी आपके चेहरे पर पड़ेगी और आप एक खूबसूरत से मोती की तरह चमकेंगे, बस उसी खूबसूरत से नजारे को देखने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कृष्णा, देवराज नहीं आए अब तक? उन्होंने कहा था कि आसमान में चांद निकलेगा और वो हमारे सामने होंगे, तो हते ही होंगे वो भी और चांद भी। लेकिन कृष्णा, आज तो अमावस्या है, आज चांद नहीं आएगा। और ना ही तुम्हारे देवराज सर। Are you okay?
बिहारी जी, आज हमारे प्यार और विश्वास की परीक्षा है। हमारे प्यार को फामिखा के फरेब से हारने मत दीजिएगा, हारने मत दीजिएगा।